बांदा गौशाला के अंदर मृत गोवंश को नोचते कुत्ते। जनपद बांदा के बिसंडा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुरी में ग्रामीणों की सूचना पर मीडिया बंधुओं के साथ मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां बहुत ही दयनीय दशा मिली। इस गौशाला के अंदर ही मरे हुए गोवंश को घसीटकर गौशाला के अंदर ही खुले में जानवरों के नोचने के लिए फेंक दिया जाता है। अभी बात इतने में ही खत्म नहीं होती है। इस गौशाला में जानवरों के लिए ना तो भूसा है और ना ही पानी। इस ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीणों से बात करने में उन्होंने बताया कि सब भगवान भरोसे चल रहा है। इस सब का संज्ञान लेकर जब प्रधानपति से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो बाहर है बताया गया। सचिव साहब को फोन किया गया तो आ रहे हैं, कहा बीडीओ बिसंडा को इसका संज्ञान दिया गया तो उन्होंने बताया कि एडीओ पंचायत और सचिव को भेज दिया है मगर कोई नहीं पहुंचा मौके पर। लगातार बार बार सीडीओ साहब को फोन कर बताया गया। सीडीओ साहब ने गंभीरता से संज्ञान लेकर जल्द डिस्पोज कराने की बात कही। पूरा मामला देखने से साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीडीओ साहब अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करने पर विफल साबित हो रहे हैं। क्या नाम है भैया? विनोद नाम। ये कौन सी गौशाला है? ये घूरी गौशाला है। ये जो जानवर इस तरह से मर जाते हैं खुले में डाल देते हैं, इनको गड्ढे में क्यों नहीं दबाते हैं आप लोग? अभी गड्ढा खुदवाया नहीं है। अच्छा, तो ये तो बहुत पुराने जानवर हो गए, ये अभी नया ताजा दिख रहा है। हाँ हाँ, एक ही आज खत्म हो गया। अच्छा, तो ये तो सब ऐसे पड़े हैं, इनको गड्ढे में नहीं दफनाया जाता क्या? नहीं, गड्ढे में नहीं खुदवाया, ऐसे जो है फेंक दिया। ये लगभग कितने गौवंश हैं जो मरे पड़े हैं ये सब खत्म? ये हो गए करीबन 15-20 हो गए। अच्छा, घूरी के बारे में आपको बताया गया कि गौशाला के अंदर 15 जानवर पड़े हैं और जो मरते हैं उनको बगल में जो है घसीट के फेंक दिया जाता है, कुत्ते नोच रहे हैं उस संदर्भ में। इसके लिए जो है हमने जो है एडीओ पंचायत और वहां के संबंधित सचिव को भिजवा दिया है, जो भी यथास्थिति होगी उसको संज्ञानित करके डिस्पोजल कराएंगे। इसके खिलाफ अगर ये पुनरावृत्ति दोबारा पाई जाती तो उसमें किस तरह का एक्शन सचिव और बीडीओ? अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हमने एडीओ पंचायत जिम्मेदार व्यक्ति को भेजा है और सचिव साहब को भेजा है, तहकीकात करने के बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन जो भी समस्या है उसका समाधान हम तत्काल करेंगे। सर, ना तो वहाँ पर चारे की व्यवस्था है, खाने पीने की भी नहीं, चारे और पानी की तो व्यवस्था है, मेरे द्वारा स्वयं देखा गया है। चारा और पानी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा है, मेरे द्वारा स्वयं देखा गया है। ये ज्यादातर पूरी जो बिसंडा ब्लॉक में पूरे में गौशालाओं में ज्यादातर अनियमितताएं पाई जा रही है, तो इस संदर्भ में आपने कौन